रिया चक्रवर्ती का बयान सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा था, क्योंकि रिया सुशांत से नवंबर में शादी करने वाली थी। साथ ही लॉकडाउन के वक्त रिया सुशांत के साथ उनके फ्लैट में मौजूद थी। हालांकि सुशांत के आत्महत्या से ठीक चार दिन पहले रिया चक्रवर्ती अपने घर चली गई थी। रिया चक्रवर्ती के घर की तलाशी मुंबई पुलिस ने बीते शुक्रवार करीबन 10 बजे ली। रिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, ये तलाशी एक जांच का हिस्सा ही थी। जानकारी के लिए बताते चले, रिया चक्रवर्ती से सुशांत सिंह के मामले पर 12 घंटे तक पूछताछ चली थी। इस पूछताछ में रिया से तमाम सवाल जवाब किए गए। हालांकि मुंबई पुलिस ने कुछ अहम सवाल जो इस मामले में मुख्य भूमिका रखते हैं उनका खुलासा किया है। दरअसल पूछताछ के दौरान रिया से उनके और सुशांत के रिश्ते के बारे में पूछा गया, जैसे कि वो दोनों कितने समय से एक दूसरे के साथ थे और पिछले एक साल में उनके रिश्ते में क्या उतार चढ़ाव आए, उनका रिश्ता किस स्तर तक जा पहुंचा था और किस स्तर तक इस रिश्ते को दोनों ले जाना चाहते थे। बता दें, रिया चक्रवर्ती को लेकर सुशांत के दोस्तों ने बयान दिया था कि उन दोनों के बीच काफी ज्यादा नोकझोंक चल रही थी। गहराई से इस पूरे मामले को जानने के लिए पुलिस ने सुशांत और रिया के बीच चल रहे तनाव की अवधि और रिया के पुराने रिश्तों को लेकर पूछताछ की, और साथ ही सुशांत सिंह के पुराने रिश्तों को लेकर भी कई सवाल रिया चक्रवर्ती से किए गए। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह एक साथ प्रॉपर्टी लेने का दावा करते नजर आ चुके थे, इसलिए रिया की प्रॉपर्टी प्लानिंग की जांच की गई। रिया चक्रवर्ती से सुशांत के फिल्म इंडस्ट्री में संबंध, तनाव और प्रोजेक्ट्स को लेकर तहकीकात की गई है। साथ ही सुशांत और यशराज फिल्म्स के बीच हुए कॉन्टैक्ट्स की कॉपी भी मुंबई पुलिस ने मांगी है। इस मामले की जांच कहां तक पहुंचती है, सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अर्पण न्यूज को, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।